शिपुरा नाम का एक गांव था। उस गांव में कुआं ना होने की वजह से सभी गांव वाले नदी से ही पानी लाया करते थे। एक दिन गांव की एक औरत निर्मला नदी के किनारे बैठकर कपड़े धो रही थी, तभी उसे नदी से डरावनी आवाज सुनाई दी। कौन है यहाँ जो मुझे डरा रहा है? अरे कौन है, कौन है यहाँ? चुड़ैल, चुड़ैल, भागो यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से। निर्मला अपने कपड़े छोड़कर गांव में भाग जाती है। अरे ओ गांव वालों, सुनो सुनो, उस नदी पर मत जाना, उस नदी में एक चुड़ैल है। अरे क्या बोल रही हूँ बहन, चुड़ैल नदी में? सुबह ही तो हम सभी औरतें उस नदी से पानी भरकर लाई हैं, तब तो कोई चुड़ैल हमें दिखाई नहीं दी, कहीं तुम नींद में तो नहीं हो? अरे तुम लोगों को मेरी बातों पर यकीन नहीं है ना, तो खुद ही जाकर देख लो। हाँ भाइयों, चलो तो जरा नदी पर, हाँ, देखें कैसी चुड़ैल है। सभी गांव वाले नदी पर जाते हैं, पर वहाँ कोई चुड़ैल नहीं दिखती। अरे यहाँ तो कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं है, निर्मला को कोई वहम हुआ होगा। चलो चलो भाइयों, अपना अपना काम करें, हाँ। गांव वालों को नदी पर कोई चुड़ैल नहीं दिखती, फिर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह सभी नदी पर आते हैं, कोई पानी भरने आता है, कोई कपड़े धो रहा होता है, तो कोई उसमें नहा रहा होता है। चुड़ैल नदी के अंदर थी तो वो ये सब देख रही थी। ये सभी गांव वाले फिर नदी पर आ गए, ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनका कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तभी नदी पर गांव का एक आदमी सुखिया नहाने के लिए आता है। जैसे ही सुखिया नदी में नहाने के लिए अंदर घुसता है, नदी में अंदर बैठी चुड़ैल उसका पैर पकड़ लेती है। अरे 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 अरे, मेरा पैर किसने पकड़ा है? कौन है भाई नदी के अंदर? बचाओ बचाओ बचाओ। चुड़ैल सुखिया का पैर पकड़कर नदी के अंदर खींच लेती है और फिर सुखिया को नदी के बाहर फेंक देती है। सुखिया बेहोश हो जाता है। गांव के कुछ लोग सुखिया को वहां पड़ा देखते हैं। सुखियो सुखियो, ये तुम्हें क्या हुआ? अरे ये तो बेहोश है, इसे इसके घर ले चलो, जब ये होश में आएगा तब ये कुछ बताएगा ये बेहोश कैसे हुआ है। सभी गांव वाले उसे उठाकर उसके घर ले जाते हैं। जब सुखिया होश में आता है तो उसके साथ क्या हुआ सब बताता है। भाइयों मैं सच बोल रहा हूँ, नदी में कोई तो था जिसने मुझे नदी में खींच लिया था। अरे ये क्या हो रहा है, पहले निर्मला और अब ये सुखिया, तुम दोनों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम लोग मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते, मैं सच बोल रहा हूँ। अरे भाइयों देख नहीं रहे कितनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, गर्मी की वजह से सुखिया बेहोश हो गया होगा और कुछ नहीं। हाँ हाँ तुम सही बोल रहे हो, ये सुखिया तो कुछ भी बोले जा रहा है। फिर सभी गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं। कोई भी सुखिया की बातों पर यकीन नहीं करता, फिर भी सभी लोग नदी पर जाते, वो भी वही कपड़े धोने लगती हैं। तभी उस चुड़ैल की भयानक आवाज आती है और सभी औरतें वहाँ से भाग जाती हैं। ये लोग नहीं मानेंगे, इनका कुछ तो करना होगा। नदी पर जो कचरा पड़ा होता है वो कचरा उठाकर आधी रात को चुड़ैल गांव वालों के घर पर फेंक आती है। अरे सत्यानाश हो उसका जिसने मेरे घर पर ये कूड़ा फेंका। अरे कोई है, मेरे घर पे कूड़ा किसने फेंक दिया? देखो जी, किसी ने हमारे घर पर इतना सारा कचरा फेंक दिया है, भला बताओ। ये सब देखकर पारो और मुरली गांव वालों से लड़ने लगते हैं। वो चुड़ैल फिर से आधी रात को नदी से निकलकर गांव में आती है और अब की नदी से ढेर सारी कीचड़ उठाकर शंकर के घर पर फेंक कर चली जाती है। सुबह होते ही रानी,
ये अजीब सी बदबू कहाँ से आ रही है? हाँ जी, बदबू तो मुझे भी आ रही है। ये बदबू शायद बाहर से आ रही हो। दोनों बाहर जाकर देखते हैं तो उनके घर पर ढेर सारी कीचड़ पड़ी होती है। ए, ये कीचड़ किसने डाला मेरे घर पर? इसकी इतनी हिम्मत? ओए, क्या हुआ शंकर भाई, क्यों शोर मचा रहे हो? ए, अरे भाई जरा यहाँ देखो, किसी ने मेरे घर पर ये कीचड़ डाल दिया है। पता नहीं कौन है वो, अगर पता चल गया ना छोड़ूंगा नहीं उसे। हाँ। शांत रहो शंकर भाई, किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया होगा। कोई बात नहीं, अभी तो मैं चुप हूँ, पर अगली बार ऐसा कुछ हुआ ना तो उसे छोड़ूंगा नहीं। हाँ। सभी गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं। जब रात को सभी गांव वाले सो जाते हैं तो नदी वाली चुड़ैल फिर से गांव में आती है। जब वो चुड़ैल कूड़ा उठाकर लोगों के घरों पर फेंक रही होती है तभी गांव का एक आदमी किशनलाल अपने घर की खिड़की से उस चुड़ैल को कूड़ा फेंकते हुए देख लेता है। हमारे गांव में चुड़ैल, पर ये चुड़ैल यहाँ क्या कर रही है? अच्छा, अब पता चला ये चुड़ैल ही थी जो सभी के घरों पर कूड़ा कचरा डाल जाती है। सुबह होते ही ये बात गांव वालों को बतानी पड़ेगी। भूरा के घर पर चुड़ैल कूड़ा डाल कर गई, तो वो भूरा सभी गांव वालों से लड़ रहा होता है। हद हो गई अब तो, ये रोज रोज कौन कूड़ा कचरा डाल जाता है, कभी किसी के घर तो कभी किसी के। आज उसने मेरे घर पर कूड़ा डाला, उसकी इतनी हिम्मत, एक बार हाथ लग जाए छोड़ूंगा नहीं उसे। हाँ। किशन लाल ने रात में चुड़ैल को देखा था, तभी वो वहाँ आ जाता है। रुको रुको रुको, तुम सभी लोग लड़ना बंद करो, तुम सभी के घरों पर कूड़ा अपने गांव में किसी ने भी नहीं डाला। ये क्या बोल रहे हो तुम, मेरे घर पर किसी ने भी कूड़ा नहीं फेंका तो किसने फेंका? जल्दी बताओ जल्दी। हाँ हाँ बताता हूँ बताता हूँ, पहले तुम सब सरपंच जी के घर चलो, वहीं बताऊंगा सब। फिर सभी मिलकर सरपंच जी के घर जाते हैं। क्या बात है, तुम सभी लोग एक साथ यहाँ? सरपंच जी, बात ही कुछ ऐसी है कि सभी को यहाँ आना पड़ा। हाँ हाँ बोलो ना। सरपंच जी, हमारे गांव में चुड़ैल है जो उस नदी के अंदर से आई थी। देखा, मैंने सच बोला था ना, उस नदी में चुड़ैल ही थी जिसे मैंने देखा था। इसका मतलब जब मैं नदी में नहाने गया था तो उसी चुड़ैल ने मेरे पैर पकड़े होंगे और मैं बेहोश हो गया था। हाँ हाँ तुम सभी सही हो, उस नदी में एक चुड़ैल रहती है, मैंने खुद उसे देखा है गांव में। गांव में हमें तो कभी कोई चुड़ैल दिखाई नहीं दी। किशनलाल सभी गांव वालों को बताता है। आधी रात को जब मैं पानी पीने के लिए उठा तो मेरी नजर खिड़की के बाहर गई, तो देखा एक चुड़ैल सभी के घरों पर कूड़ा फैला रही थी, और तो और गांव में भी चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा फैला दिया। जब वो कूड़ा फैला कर जाने लगी तो मैंने उसका पीछा किया और वो चुड़ैल नदी के अंदर चली गई। पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि वो चुड़ैल ऐसा क्यों कर रही है, अब नदी पर जाना खतरे से खाली नहीं है। सरपंच जी, अगर हम लोग नदी पर नहीं जाएंगे तो पिएंगे क्या, और बाकी घर का सारा काम भी तो पानी से होता है, खाना बनाना नहाना कपड़े सभी। हाँ सरपंच जी, शंकर सही बोल रहा है, हमारे घर की औरतें नदी पर कैसे जाएंगी, और तो और पूरे गांव में एक भी कुआं नहीं है, अगर कुआं होता तो इतनी परेशानी नहीं होती। ये तो बहुत बड़ी समस्या है, मैं सोच रहा था कि किसी तांत्रिक बाबा को बुलाया जाए गांव में, वो ही कुछ कर सकते हैं। अब सभी गांव वाले सरपंच की बात मान लेते हैं और सरपंच जी एक तांत्रिक बाबा को बुलाकर सारी बात बताते हैं। अच्छा, इसलिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया, तुम चिंता मत करो, हम सब ठीक कर लेंगे। अगर चाहते हो कि वो चुड़ैल
नदी छोड़कर भाग जाए। उसके लिए हमें गांव के बीचों बीच बैठकर हवन करना पड़ेगा। हवन की सारी तैयारियां हो जाती हैं। तांत्रिक बाबा हवन करने के लिए बैठ जाते हैं और सारे गांव वाले आसपास खड़े होकर देखते हैं। तांत्रिक बाबा मंत्र पढ़ते हैं और अपनी पोटली से भभूत निकालकर पूरे गांव में छिड़क देते हैं। सरपंच जी, वो चुड़ैल अब इस गांव में कभी नहीं आएगी। बाबा, गांव में चुड़ैल नहीं आएगी, पर नदी का क्या? हमारे गांव की सभी औरतें नदी से पानी लाती हैं। तभी चुड़ैल वहां आ जाती है। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं बहुत ताकतवर हूँ। इस तांत्रिक को तो मैं फूंक मारकर हवा में उड़ा सकती हूँ। तुम क्यों गांव वालों को परेशान कर रही हो? वो लोग नदी पर जाते हैं पानी भरने, तो तुम उन्हें डरा कर भगा देती हो या फिर उनके घरों पर कूड़ा कचरा डाल देती हो। क्या कूड़ा कचरा मैं करती हूँ? जरा चलो तुम सब नदी पर मेरे साथ। चुड़ैल सभी गांव वालों को अपने साथ नदी पर ले जाती है। देखो जरा इस नदी को, तुम सब देखो, तुम लोगों ने इस नदी की क्या हालत कर दी है। मैं तो आराम से नदी के अंदर सो रही थी, पर तुम सभी गांव वालों ने इस नदी में इतना कचरा फैला दिया जिसकी वजह से नदी का पानी दूषित हो गया और मुझे नदी के अंदर घुटन महसूस होने लगी, जिसकी वजह से मैं नदी के बाहर आ गई और तुम लोगों को यहाँ से भगा दिया। तुमने हमारी औरतों को पानी नहीं भरने दिया, हम लोग कहाँ जाएं अब पानी भरने? तुम लोग बहुत ही गंदे हो, अपना घर तो साफ रखते हो और सारी गंदगी नदी पर करते हो, तो कोई नहा रहा है उसमें, और तो और उसी में तुम लोग जानवरों को भी नहला रहे हो, फिर उसी पानी को तुम लोग पीने के लिए ले जाते हो। इतना गंदा पानी तुम सभी कैसे पी सकते हो? इसीलिए मैंने सोचा कि तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, तुम सबको सबक सिखाना जरूरी था। तुम सही बोल रही हो, तुमने हमारी आंखें खोल दी। आज के बाद हम सभी लोग नदी पर गंदगी नहीं करेंगे। हाँ, अगर हम सब नदी पर काम करेंगे तो गंदगी तो होगी ही। इसका हल भी मैं बताती हूँ। सरपंच जी, आप गांव में 2-3 कुएं बनवाएं। गांव में कुएं होंगे तो किसी को भी नदी पर आने की जरूरत नहीं होगी, सारा काम घर पर ही हो जाएगा। तुमने सही कहा, मैं कुएं जरूर बनवाऊंगा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और चुड़ैल वहां से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है।